एक दो मार्क्स से ना बहुत इफेक्ट पड़ता है, परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगी. गाइस यू हैव अ स्ट्रेंथ, फिजिकल एजुकेशन इज अ स्ट्रेंथ फॉर ऑल ऑफ यू. Hey guys, this is Sunny Side. I am at the roof of SRCC. तुम सब भी होगे, कभी चिंता मत करो. So this video is particularly for all my physical education वाले buddies. I know you guys feel alone क्योंकि physical education के लिए कोई बात ही नहीं करता है. It's okay, I'm here to do. Since I didn't have maths in my plus 2, means 12th class, तो उसकी जगह मेरे पास physical education थी. Physical education is a subject कि तुमने पूरे साल से भाव नहीं दिया होगा, I know that. मैंने भी नहीं दिया था, but at the very end of the moment ना, तुम्हें ये लगेगा कि एक यही subject है जो तुम्हारा actually में percentage पूरा बचा लेगा. Believe me, if you have this subject, utilize it clearly and अच्छे से. Well, I scored 98 out of 100 in physical education in my 2023 boards. सबसे पहले तो if you guys are having it on 12th of March, basically देखा जाए तो you guys got 12 days अभी से अगर किने for your physical education का exam. Physical education बिल्कुल भी hard subject नहीं है, I would say. And इसीलिए hard नहीं है क्योंकि इसमें कुछ understanding में भी दिक्कत नहीं होती है and rote learning में भी दिक्कत नहीं होती है. The best YouTube channel I would suggest जो मैंने भी use किया था was of Zakir sir, कुछ ऐसा ही उनका नाम था, एंड यू कैन चेक आउट इट. मैं लिंक उनके चैनल की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. तो उन्होंने बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज फिजिकल एजुकेशन की वीडियोस डाल रखी है अपने चैनल पे, वन शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स एंड जो भी थे वो सब डाल रखे थे. तो एट द वेरी लास्ट मोमेंट जब हाफ ईयरलीज भी आते थे तो मैं यही करती थी कि उनके वन शॉर्ट सबसे पहले देख लो अंडरस्टैंडिंग के लिए. फिजिकल एजुकेशन इतना हार्ड नहीं था अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, उसमें बस नॉर्मल तुम्हें पता हो कि जो चैप्टर है वो इस बारे में है, उसके बाद उसके कुछ की पॉइंट्स की चैप्टर में कौन कौन से मेन पॉइंटर्स की डिस्कशन हो रही है, तो यू शुड नो दैट वो कौन से कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट में क्या वैल्यू पॉइंट्स है. क्योंकि उसमें फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं कि व्हाट इज दिस, फॉर एग्जाम्पल ईस्टोपोरोसिस इफ आई वुड से, तो या दे वुड डायरेक्टली से कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईस्टोपोरोसिस. नेक्स्टली इफ आई वुड से कि जैसे इंजरीज का एक चैप्टर है पर्टिकुलरली, तो दे पुट अप एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस कि लाइक या तो स्प्रेन स्ट्रेन एंड ऑल के बारे में वो दो तीन लाइंस दे देंगे एंड आइडेंटिफाई कि कौन सा क्या है. ये सबसे ज़्यादा गंदा क्वेश्चन लगता था मेरे को, तो क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटी है इंजरीज में एंड ऑल में. तो ये सारी चीज़ें भी इफ यू गिव वन शॉट्स जिसके भी तुम्हें मन कर रहे हैं ना, तो उस अंडरस्टैंडिंग के बीच में यू विल गेट टू नो कि ओके ये डिफरेंसेस है. तो वो अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट. तो सबसे पहले तो अपने 12 डेज में लाइक अगर मैं होती तो यही करती, अपने सारे चैप्टर्स डिवाइड कर लिए कि इस दिन ये चैप्टर उठाना है. लाइक एक दिन अगर दो इजी चैप्टर्स है तो एक दिन में दो चैप्टर्स उठा लो तुम, उनके वन शॉट्स एंड ऑल रिविजन्स वगैरह तुम कर लो, वीडियोस देख के अंडरस्टैंडिंग ले, एंड आफ्टर दैट गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेसिकली. बिकॉज फिजिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कुछ नया होता नहीं है. पर्सनली माय टीचर फैकल्टी यूज टू सजेस्ट दैट सरस्वती पब्लिकेशन की फिजिकल एजुकेशन की बुक, तो यप हमने तो वही पढ़ी थी एंड कंटेंट भी अच्छा ही था, रीडेबल था, अंडरस्टैंडेबल था एंड याद भी हम वही से करते थे. एंड आफ्टर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू कर लिया ना, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन उठा लो एंड डायरेक्ट आंसर्स बुक में मार्क्ड होते हैं, वो लेके चलोगे एंड याद करके चलोगे तब भी काफ़ी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है. एंड लाइक लास्ट फाइव ईयर्स के पेपर्स भी कर लिए. वेल बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हुई हैं लास्ट फाइव ईयर्स में. फॉर एग्जांपल यू गॉट दिस केस वाला थिंग जहाँ पे वो बेसिकली अनोनिमसली कोई भी केस डालते हैं जिसके बेसिस पे यू गेट क्वेश्चन. न्यूटन से रिलेटेड दे देंगे, ग्रेविटेशन से रिलेटेड दिया तो उसी के बेसिस पे. बट हाँ ये है कि क्वेश्चन जो होते हैं वो एकदम बुक में ही होते हैं उनके आंसर्स, तो यू शुड नो एक मैक्रो लेवल की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तुम्हें अगर तुम्हें पूरे बुक के बारे में पता होगा कि क्या हो रहा है. आफ्टर दैट डोंट फ्रीक आउट एट ऑल. मेक श्योर दैट रिविजन स्ट्रैटेजी जो मैंने इंग्लिश की वीडियो में हाईलाइट करी थी कि हर दिन लाइक अगर मैंने आज 5 क्वेश्चंस उठा के रिवाइज किए हैं, लर्न किए हैं, उसे लिखा है या फिर बुक में से ही बस रीड कर लिया, मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट डे भी एक बार बस उठ के रीड कर रही हूँ ताकि वो चीज़ मेरे माइंड में कहीं ना कहीं रहे. एंड हर दिन ये करने से मुझे ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगना है. पेपर आते आते टाइम तक मैंने उसे इतनी बार रीड कर लिया होगा कि मैं चाह कर भी उसे भुला नहीं सकती हूँ. एंड जस्ट लाइक योर एक्स नॉट माइन.
कि यू वुडंट बी एबल टू टेक इट आउट फ्रॉम योर माइंड, एंड दस तुम्हें एक क्वेश्चन सामने फिजिकल एजुकेशन के पेपर में दिखेगा और तुम आंसर कर सकते हो उसका आराम. पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स फॉर फिजिकल एजुकेशन अगर मैं दूँ ना, बट आई डिड वॉज आई यूज टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी एंड ऑफ द पेपर सेक्शन. क्योंकि होता था कि मतलब एक्चुअली मैं ना फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर चेकर होता है ना, वो तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसकी तुमने ना हर एक पॉइंटर में अच्छे से एक्सप्लेनेशन करी है. तो आई यूज टू डू दिस कि लास्ट से क्वेश्चन पेपर शुरू करती थी एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का ढंग से पॉइंटर्स में गैप गैप छोड़ छोड़ के और थोड़ा चौड़ा चौड़ा लिख लिख के पेजेस भरो थोड़े. यूज पॉइंटर्स एंड ट्राई टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट लाइन्स, वो दैट मेक्स इट मोर प्रेजेंटेबल. ये जनरलाइज नहीं है बट मैं कहूँगी फिजिकल एजुकेशन के पेपर में यू हैव टू फॉलो इट एंड यू शुड, क्योंकि इतना लेंथी पेपर नहीं होता एंड ट्राई टू मेक इट एज ऑर्गेनाइज एज पॉसिबल. तो मेरे दो नंबर कहाँ गए थे, दैट वॉज इन दो MCQs जो मेरे गलत हो गए थे. एंड वो दो MCQs कौन से थे मेरे को पता है, लाइक एज वी हैव टू नोस्ट्रिल्स तो उसके हिसाब से एक सन होता है एक मून होता है, उनका कोई संस्कृत में टर्म्स होते हैं, उसी का कुछ MCQ था. तो आई marked it wrong, तो उसी की वजह से एक गलत हुआ था एंड एक और MCQ गलत हुआ था. तो दैट आई डोंट नो, बट हाँ मेक श्योर ये जो MCQ वाला थिंग है ये तुम्हारी गलती ना हो. तो MCQs की प्रैक्टिस यू गाइस कैन एक्चुअली डू फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट मैंने भी करी थी, बट ये एकदम ना न्यूली MCQs पता नहीं उठा के दे दिए थे इन्होंने, इसीलिए डोंट टेक रिस्क. एंड प्रीवियस ईयर के तो करो ही करो, इन केस यू बॉट सैम्पल पेपर्स फ्रॉम एनी पब्लिकेशन तो उसके सारे MCQs में मेक श्योर कि 100% MCQ सैम्पल पेपर में जितने थे वो कर लिए, तो डोंट गिव इट एनी चांस. बाकी जो तुम्हारी पब्लिकेशन की बुक होती है उसके पीछे से MCQs एंड ऑल, इसमें मार्क्स मत देना. ट्राई टू स्कोर 100 on 100 इन फिजिकल एजुकेशन. एक दो मार्क्स से ना बहुत इफेक्ट पड़ता है, परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगी. गाइज यू हैव अ स्ट्रेंथ, फिजिकल एजुकेशन इज अ स्ट्रेंथ फॉर ऑल ऑफ यू. विद दैट गाइज ऑल्सो इफ यू आर एक्चुअली पुटिंग अप ऑल माई पॉइंट्स विच आर एडिंग वैल्यू टू योर प्रिपरेशन फॉर फिजिकल एजुकेशन या एनी अदर सब्जेक्ट दैट यू थिंक इज पॉसिबल, यू कैन सब्सक्राइब टू सिमी साइट. And make sure you don't miss any kind of updates because I'm here to help you out at each and every point. Because last year I was also in this situation and I knew that ऐसी चीजें दैट यू डोंट नो एंड यू फेस प्रॉब्लम एट. ऑल्सो CUET applications आ गए हैं, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स दैट किस किस ने CUET applications ऑलरेडी फिल कर दी है. ऑल्सो रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड, उसके लिए भी वीडियो आएगी सून सून सून. अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं CUET फॉर्म्स को लेके, स्ट्रेस्ड नहीं होना है, आराम से फिलअप हो जाएंगे, बट मेक श्योर तो तुम्हारी स्टडीज इफेक्ट ना हो इससे. So that's it for the video guys. I guess physical education के लिए इतना is all okay. बाकी I would really like to know कि इसके अलावा तुम्हें और कोई भी डाउट आ रहा है फिजिकल एजुकेशन की बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, यू कैन जस्ट पुट योर कॉमेंट्स इन दी कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट. या फिर इन 12 डेज के विद इन मैं एक और वीडियो के साथ आ जाऊंगी फॉर फिजिकल एजुकेशन की क्वायरी से रिलेटेड. And we can together ace it. So don't worry at all. At last board examination ही है, normal है. Don't hype it at all. जैसे तुम्हारे half yearlies के easy paper गए हैं, pre-boards के गए हैं physical education के लिए, तो वैसे ही जाने वाले हैं. Don't hype it at all. It's a seriously a subject that I personally recommend you कि at least मेरे viewers के तो 100 on 100 आने चाहिए. Not even 100, अगर तुम्हारे अंदर potential है, तुम्हें लगता है कि हाँ हो ही जाएगा, उस हिसाब से दिन है, उस हिसाब से तैयारी है, तो क्यों ना फुल की करो. ठीक है, हम क्यों वेट कर रहे हैं किसी और चीज का. बाकी आई वुड से कि इट्स नॉट जस्ट 100 on 100, इट्स आल्सो अबाउट कि तुम पहले कहाँ थे और अब तुम्हारे कितने आ रहे हैं. तो मेक श्योर कि यू डोंट फॉरगेट दैट प्रोग्रेस इज मच मच बेटर दैन परफेक्शन. एंड विद दैट.